क्रेडिट सेल का मतलब ये है कि जब आप अपनी गुड्स को, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप अपना सामान गुड्स बेचते हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एएमसी सर्विसेज है, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, आपने या तो गुड्स उसको दे दिए या उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, पेमेंट अभी नहीं आई, पेमेंट आ जाएगी कब, पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपने कहा पे लेटर, बाद में पे कर देना, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। उधारी पे माल देना, माल बेच देना, पैसे आ जाएंगे। यानी कि अभी इमीडिएटली कस्टमर तो पैसे नहीं पे कर रहा, और इनवॉइस रिसीव कर लिया, और इनवॉइस रिसीव करने के 30, 60, 90 डेज के बाद पेमेंट वो कर रहा होगा, जिसको क्रेडिट सेल कहते हैं। अब क्रेडिट सेल क्यों की जाती है? देखिए, चाहे रिटेल है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरर है, जब भी वो सेल कर रहे हैं ना, या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो ना कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, आप सामान तो ले लो, पैसे दे देना एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जब आपके पास पैसे आएंगे, तो उनका भी मनी का साइकिल रोटेट करेगा, हमारा भी मनी का साइकिल रोटेट करेगा, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, अभी तो देते हैं, कस्टमर हमारे पास रिटेन रहेगा क्योंकि हमने उसको उधार दिया हुआ है, और एक स्टेडी सोर्स बन गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक बार अगर करेंट का चक्र घूम गया, यानी कि वर्किंग कैपिटल आपने लगा दी उतने पैसे की, माल खरीदा, बनाया, बेच दिया, और 30 दिनों के बाद पेमेंट आएगी, तो हमें लगता है कि कस्टमर भी रिटेन रहेगा, जुड़ा रहेगा उधारी से। तो क्या ऐसा होता है? हाँ होता है, ये मार्केट का ट्रेंड है। कुछ लोग हैं जो एडवांस पेमेंट लेते हैं और फिर सर्विस सप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके साथ में डील करना है, और वो प्लास्टिक पाउडर ग्रेन्यूल बनाती है, वो हमेशा क्या करती है, पहले पैसे डिपॉजिट कराओ फिर आपको वो रिलीज करेगी। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखे हैं, वो कहते हैं पहले पैसे जमा करा दो फिर वहां से डिस्पैच निकलेगा। जैसे अनमोल बिस्किट है, वो क्या कर रहे हैं कि पहले पैसे जमा होंगे फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ट्रक डिस्पैच करेगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एडवांस ले पा रही हैं अपनी यूएसपी की वजह से, या अपनी पॉलिसीज की वजह से, या अपनी क्लैरिटी की वजह से। उनको पता है कि बिजनेस करना है तो हमने अगर माल बना दिया, या कुछ लोग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बना दिया और पैसे जमा करा दो, उसके बाद माल को डिस्पैच करेंगे, या लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेंगे पहले से, एलसी पहले से ले लेंगे और फिर उसके अगेंस्ट में करेंगे ताकि पेमेंट सिक्योर हो जाए। तो कुछ ऐसी कंपनी है जो पेमेंट सिक्योर करके चलती है, लेकिन जनरली आम तौर पे रूटीनली ये देखा गया है कि मार्केट में फोर्सेस ही ऐसी हैं कि मुझे अगर माल बेचना है तो सामने वाला कहता है कि दुनिया जहान वाले मुझे उधारी माल देने को तैयार है, आपसे मैं अप फ्रंट पेमेंट करके क्यों परचेज करूं। तो इस वजह से ना क्रेडिट सेल तो हो ही रही है मार्केट के अंदर।